एसएस मेरी एकेडमी हाजीगंज कैमासी को पटना सिटी के प्रांगण में नो फ्लेम नो फायर कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 10 के बच्चे बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें बच्चों ने बिना आग की सहायता से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर यह दिखाने का प्रयास किया कि बिना कृत्रिम ऊर्जा के भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा सकता है और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, लकड़ी, गैस जैसे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत का क्षरण रोका जा सकता है। निर्णायक आगंतुक अतिथियों ने जब इस व्यंजन को चखा तो वे उंगली चाटते रह गए। निर्णायक मंडली में मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा उमा लाड़िया, सचिव विनीता डोकानिया, शिक्षाविद सरिता रोहतगी एवं अन्य सदस्य शामिल थे। शामिल लोगों ने भी इसका लुत्फ उठाया और बच्चे बच्चियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की प्राचार्य पूजा एन शर्मा एवं उप निदेशक अभिषेक पैट्रिक ने विद्यालय की शिक्षिका मेनका शुक्ला एवं अर्चना ठाकुर के सहयोग से करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण में प्रेरणा स्रोत बनेंगे। कक्षा 3 से अंतरा, कक्षा 4 से मायरा एवं परिधि और कक्षा 5 से प्रिंस एवं शिवांगी को विजयी घोषित किया गया। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैं तो ये कहूंगी कि बच्चों, इतने छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है एंड सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि इनका उत्साह देख के और जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एंड बेसिकली जो हम जो जंक फूड के अगेंस्ट में जो एक हमारा कैंपेन चल रहा है कि बच्चे जंक फूड नहीं खाएं, तो इससे उनको एक आइडिया मिलती कि आप अगर भूख लगी है, कोई नहीं घर पे है, तो आप क्या खा सकते हैं जिससे आपकी भूख भी शांत हो और आपको न्यूट्रिशन भी मिले। तो ये यहाँ के प्रेजेंटेशन को ये देख के लग रहा है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैं जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट को इस अरेंजमेंट के लिए, इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देती हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम हर स्कूल में होने चाहिए जिससे बच्चों को शुरू से ही आदत लगे हेल्दी खाने की। आज हमारे स्कूल जीसस एंड मैरी एकेडमी में यहाँ पर शेफ ऑफ जीसस एंड मैरी कंपटीशन का आयोजन यहाँ पर रखा था। हम सारे जो हैं मम्मी लोग, वो लोग परेशान इस बात से रहते हैं कि हमारे बच्चे जो ज्यादातर ना जंक फूड की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, तो आज इस कंपटीशन के माध्यम से हम सारी मम्मियों को यही बताना चाहते हैं कि आप पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशियस खाना बिना आग, बिना फायर के यूज के भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और मैं सारी मम्मियों को बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने ही अपने बच्चों को इस कॉम्पिटिशन के लिए मोटिवेट किया है, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर पाठ लिया है। और इतनी प्रतिभा है हमारे बच्चों में, इतने हुनरबाज हैं हमारे बच्चे कि शायद अभी से 10 साल 15 साल के बाद यही बच्चे हमारे भारतवर्ष के टॉप शेफ कहलाएंगे। तो मैं प्राचार्य पूजा एन शर्मा आप सारे लोगों को और इन सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई देती हूँ और खासकर अपनी मम्मियों को जिन्होंने इन बच्चों को प्रोत्साहित करके इस कॉम्पिटिशन के लिए भेजा है। नो फायर कुकिंग हम लोग आज एक कॉम्पिटिशन करवाए हैं, उसमें 3 to 5 के स्टूडेंट अपनी सारी इनोवेशन दिखा रहे हैं। जो बच्चे घर में अपने से लेके खाना नहीं खाते वो आज देखिए बिल्कुल शेफ बन के इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाए हैं कि बिलीव नहीं हो रहा है कि नो फायर कुकिंग में बच्चे खुद से रेडी किए हैं। आज हम लोग जज की भूमिका में और हमारी तरफ से बच्चों को प्राइज भी दिया जा रहा है और हम लोगों ने एक एक आइटम टेस्ट किया है, उसके आधार पर हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे के भी इस पर नाम नहीं है, कोड रखा हुआ है कि जिससे कोई भी चांसेस नहीं है कि भाई कुछ पार्शियलिटी हो। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।